मुले शास्त्री को बाबा में गुरु दर्शन। नासिक के रहने वाले मुले शास्त्री विद्वान थे, साथ में ज्योतिष, वेद, आध्यात्म की भी अच्छी जानकार थे। एक बार वे नागपुर के प्रसिद्ध करोड़पति श्री बापू साहब बूटी से मिलने के लिए शिरडी आए। मिलने के बाद जब बूटी मस्जिद की ओर जाने लगे तो सहज भाव से मुले शास्त्री भी उनके साथ चल दिए। जब वे दोनों मस्जिद पहुंचे तो बाबा भक्तों को आम खिला रहे थे। उसके बाद उन्होंने केलों को खाने के लिए दिन शुरू किया, परंतु केले बांटने का उनका तरीका एकदम अनोखा था। बाबा केले की गिरी निकालकर भक्तों को देते और छिलके अपने पास रख लेते। यह देखकर मुले शास्त्री आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि मुले शास्त्री हस्तरेखा के भी ज्ञाता थे। उनकी बाबा की हाथों की लकीरें देखने की इच्छा हुई। आगे बढ़कर इसके लिए उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, पर बाबा ने उनकी बातों पर ध्यान न देकर उन्हें खाने के लिए केले पकड़ा दिए। मुले शास्त्री ने बाबा से एक दो बार विनती की, पर बाबा ने उनकी बात नहीं मानी। आखिरकार हार कर वे अपने ठहरने की जगह लौट आए। बाबा जब दोपहर को लेडी बाग से मस्जिद लौट रहे थे तो भक्त आरती की तैयारी में जुटे हुए थे। बाजों की आवाज सुनकर बापू साहब जाने के लिए उठे और मुले जी से चलने के लिए कहा, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उन्होंने मस्जिद जाना उचित न समझा और टालने हेतु बोले, शाम को चलूंगा। बापू साहेब अकेले ही मस्जिद बाबा की आरती में चले गए। इधर आरती संपन्न होने के बाद बाबा बूटी से बोले, जाओ और उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। बूटी ने आकर मुले जी से दक्षिणा मांगी तो वे हैरान से रह गए कि मैं तो अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे बाबा को दक्षिणा देनी चाहिए? ऐसा विचार उनके मन में आया। फिर बाबा जैसे पहुँचे हुए संत ने मुझसे दक्षिणा मांगी है और बूटी जैसे करोड़पति दक्षिणा लेने के लिए आए हैं, तो कैसे मना किया जा सकता है? ऐसा विचार करके मस्जिद जाने के लिए निकल पड़े, पर मस्जिद पहुंचते ही उनका ब्राह्मण होने का अहंकार फिर जाग उठा और वह मस्जिद से थोड़ी दूर खड़े होकर वहीं से बाबा पर पुष्प अर्पण करने लगे। लेकिन उन्हें यह देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि बाबा के आसन पर साईं बाबा नहीं बल्कि गेरुए वस्त्र पहने उनके गुरु कैलाशवासी घोलक स्वामी विराजमान हैं। उन्हें अपनी आंखों पर शक सा हो गया, कहीं वह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं। ऐसा सोचकर खुद को चिकोटी काटकर देखी। उनकी समझ में नहीं आया कि उनके गुरु यहाँ मस्जिद में कैसे आ गए। फिर वे सब कुछ भूलकर मस्जिद की ओर बढ़ गए और गुरु के चरणों में शीश झुकाकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अन्य भक्त बाबा की आरती गा रहे थे। लोगों की नजरें तो साईं बाबा को देख रही थी, पर मुले जो नजर अपने गुरु घोलपनाथ को देख रहे थे, वे जात पात का अहंकार त्याग कर गुरु के चरणों में गिर पड़े और आंखें बंद कर ली। यह सब दृश्य देखकर लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कल दूर से फूल फेंकने वाला ब्राह्मण आज बाबा के चरणों में गिर पड़ा है। लोग बाबा की जय जयकार कर रहे थे, मुले घोलपनाथ जी की जय जयकार कर रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने साईं बाबा खड़े दक्षिणा मांग रहे थे। बाबा का सच्चिदानंद स्वरूप देखकर मुले अपनी सुध-बुध खो बैठे। उनकी आंखों से अश्रुधार बह निकली। फिर उन्होंने बाबा को नमस्कार करके दक्षिणा भेंट की और बोले, बाबा आज मुझे मेरे गुरु के दर्शन होने के साथ मेरे सारे संशय दूर हो गए और वे बाबा के परम भक्त बन गए। बाबा की यह विचित्र लीला देखकर सभी भक्त और स्वयं मुले शास्त्री भी दंग रह गए।